के दुरौंधा थाना क्षेत्र के करसौत में पूर्व में हुई गोविंद सिंह हत्याकांड मामले में प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने के मांग को लेकर भाकपा माले के पूर्व विधायक अमरनाथ यादव और सोहिला गुप्ता के नेतृत्व में दुरौंधा के जिलेबिया गली से मार्च निकालकर दुरौंधा थाना का घेराव किया गया। इस दौरान जिला पार्षद सोहिला गुप्ता ने बताया कि आत्महत्या को हत्या बनाकर माले के 5 कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा कर जानबूझकर फंसाया गया है, जिसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर निष्पक्ष प्रशासन द्वारा जांच नहीं होता है तो भाकपा माले के तमाम कार्यकर्ता सिवान के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। वहीं भाकपा माले के नेता जयशंकर पंडित ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया और जिला प्रशासन के साथ उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले पर उचित जांच कर न्याय की मांग किया। बहुत सारा मामला अगर जो केस का ही है, बहुत सारा पर्दे पर से जो चीजें हैं, पर्दा लगा हुआ है, उसको पर्दा का तो बता ही सकते हो। दरौली में नन्हे यादव को फर्जी केस किया गया, केस तो पहले का है, पहले से नहीं है। केस है जिसमें हमारे नेता हैं माले के, नौजवान नेता हैं जयशंकर पंडित, उसके अलावा 5 और माले के नेता हैं। वो पूरा पूरी फर्जी केस है, 1.5 साल उस केस को हो गया है। कहाँ का ये मामला है जो फर्जी केस? ये करसौत का मामला है। उस केस को अभी तक सुपर डिवीजन में रखा गया है, चूंकि वो मर्डर केस है। अब वो अपने आप फांसी लगा लिया है, काका सब लोग जानते हैं करसौत का कोई जग जाहिर है कि उसकी पिटाई से ही जाके वो नौजवान फांसी लगा। आप लोग कहना है कि आत्महत्या को हत्या बनाकर पूरे बेगुनाहों को फांसी? मेरा यही कहना है कि आत्महत्या को हत्या का रूप देकर और फंसाया गया है माले के नेताओं को। इसलिए फंसाया जा रहा है कि गरीब मजदूर की आवाज़, किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, जयशंकर पंडित है, माले है, तो ये आवाज़ को दबाने के लिए फर्जी मुकदमा किया गया है। और 1.5 साल हो गया है, इससे पहले भी जो बड़ा बाबू थे हम आए थे, हम लोगों ने बातचीत किया था, ये हम लोग को आश्वासन मिला था, परंतु आश्वासन के बाद कुछ नहीं हुआ। हम लोग आज भी आए हैं और बड़ा उससे मेरी बात हुई, उनके द्वारा फिर ASP से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आके हम लोग जो जांच उच में लिखे हैं आप जांच कर सकती हैं, हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि न्याय होगा। तो आश्वासन मिला है, हम लोग कोर्ट से निकालते हैं कि क्या कुछ वो लिखे, हम लोग जाके मिलेंगे। जैसा कि आपने पूर्व में कहा कि पूर्व में अभी दरोगा के द्वारा आश्वासन नहीं मिला, बड़ा बाबू के द्वारा नहीं, अभी SDPO के द्वारा आश्वासन मिला। तो हमने कहा कि ठीक है 10 दिन आप हम आपको समय दे रहे हैं, आप लोग के सामने बात हो रही थी, हम आपके मिलते हैं, और नहीं अगर आप काम करेंगे तो चैम्बर घेरेंगे। तो थोड़ा सा आग बबला हो गया, करेंगे चैम्बर, आप जनप्रतिनिधियों की भाषा मत बोलिए। मैं कहता हम लोग क्या करेंगे, किसी निर्दोष को फंसाया जाएगा और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और हम बात नहीं करेंगे तो ठीक नहीं है। इस सुशासन के राज में जहां विधायकों के पिटाई विधानसभा में पहली बार हुई हिंदुस्तान में, ये वही प्रशासन है, यही सुशासन है जहां जयशंकर पंडित जो नौजवान नेता है, उभरते हुए नेता है, नौजवानों की आवाज़ है, उनको फंसा दिया गया। माले की आवाज़ को, निष्पक्ष आवाज़ को ये दबा देने के लिए केस हुआ है। इसलिए हम लोग आज थाना घेरे हैं और आज तो हम लोग आश्वासन जो मिला SDPO के द्वारा फोन से, तो हम लोग जा रहे हैं और फिर हम लोग तैयारी करेंगे। अब हम लोग इसके बाद सीमान में चढ़ाई करेंगे और सीमान वाला रोड जब तक जाम करेंगे, जब तक कि हम लोग को सही सही चीज को बता नहीं दिया जाएगा और सही सही चीज सामने नहीं आएगा। साफ तौर पर आप संकेत दे रही हैं कि अगर इस वक्त जांच नहीं हुई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, इसी में लोकतंत्र में विश्वास है। हम प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि आप अगर अपने निष्पक्ष नहीं काम करिएगा तो ये जनता है और जनता सब जानती है, जनता आपको घेर कर भी निष्पक्ष काम कराने की कोशिश काम करेगी।